नमस्कार दोस्तों, आप सब ने शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी जरूर सुनी होगी। सुनी क्या होगी, उसके बहुत से किस्से भी पड़े होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि मुगल साम्राज्य में एक और ऐसी ही अनोखी प्रेम कहानी थी? जी हाँ, प्रेम कहानी शाहजहां के बेटे औरंगजेब की। वो औरंगजेब जो कि बहुत ही एक कट्टर राजा की तरह मशहूर हुआ, वो भी एक बार प्यार में पागल हो चुका था। औरंगजेब ने भी किसी को इतना ही टूट कर चाहा कि वो उसके प्यार में उसको देखते ही बेहोश हो गया और उसके कहने पे शराब तक पीने को तैयार हो गया। जी हाँ, आइए जानते हैं औरंगजेब की इस प्रेम कहानी के बारे में। ये कहानी है हीरा बाई की, जिसको औरंगजेब ने सबसे पहली बार अपनी मासी के घर के पास एक बाग में आम तोड़ते हुए देखा और वो उसको देखते ही उसकी खूबसूरती से चकाचौंध हो गया। हीराबाई एक तवायफ थी, जिसको हीराबाई के माता पिता ने मीर खलीफ को बेच दिया था। मीर खलीफ औरंगजेब की मासी का पति था। औरंगजेब को हीराबाई से प्यार हो गया और उसने मीर खलीफ के साथ सौदा किया। उसने मीर खलीफ को कहा कि मैं अपनी एक बांदी छतरबाई तुम्हें दे दूंगा, उसके बदले में तुम हीराबाई मुझे दे दो। ये सौदा हो गया और उसके बाद हीराबाई औरंगजेब के हरम में आ गई। उसके पास आने के बाद औरंगजेब ज्यादा से ज्यादा वक्त हीराबाई के साथ ही बिताने लगा। ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत खुश भी रहने लग गया था। वो उससे इतना प्यार करता था कि एक बार हीराबाई ने औरंगजेब को अपने प्यार का सबूत देने के लिए शराब पीने को कहा। जी हाँ, शराब। वो औरंगजेब जो एक पक्का मुसलमान था और शराब पीने के बिल्कुल ही खिलाफ था, उसने अब हीराबाई को अपने प्यार को साबित करने के लिए और शराब तक पीने को हाँ कर दिया। लेकिन जैसे ही वो शराब पीने लगा तो हीराबाई ने उसको रोक दिया। हीराबाई ने कहा कि नहीं, मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। ऐसी थी दोनों की प्रेम कहानी। ऐसे ही धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, लेकिन क्या उनके आसपास वाले भी खुश थे? नहीं, ऐसा नहीं था। कहा जाता है कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो ये प्रेम कहानी भी महल की दीवारों को चीरती हुई औरंगजेब के पिता शाहजहां तक पहुंची। दारा शेखो, जो कि औरंगजेब का भाई था, उसने शाहजहां को इस बात के लिए बहुत ही भड़काया। पर शाहजहां कुछ करता इससे पहले ही हीराबाई की मौत हो गई। जी हाँ, हीराबाई औरंगजेब से मिलने के एक साल के अंदर ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई। हीराबाई के जाने का औरंगजेब को इतना दुख हुआ कि इसके बाद औरंगजेब ने कसम खाई कि ना तो वो कभी शराब पिएगा और ना ही कभी नाच गाना या फिर म्यूजिक और डांस में कोई भी इंटरेस्ट लेगा। इस कहानी की पुष्टि एक इटालियन ट्रैवलर निकोलो मनुषी ने अपनी किताब में भी की है। उसके अलावा और भी बहुत से सोर्सेज हैं, बहुत से इतिहासकारों ने इस कहानी को अपनी अपनी किताब में अपने अपने वर्जन में लिखा है। लेकिन इसका अंत एक ही है कि ये प्रेम कहानी अधूरी रहेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर हीराबाई जिंदा रहती तो क्या होता? क्या औरंगजेब कम क्रूर होता? क्या औरंगजेब कम कट्टर होता? क्या औरंगजेब भी शराब पीता? ये बातें तो इतिहास के पन्नों में ही गुम होके रह गई हैं। चलिए, आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, और ऐसी ही इतिहास से जुड़ी और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, फिर मिलेंगे। तब तक हंसते रहिए और इतिहास में अपनी रुचि बनाए रखिए।